हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं आई हूँ आज शिमला। आज मैं किसी काम से शिमला आई हूँ और चलिए मिलते हैं आगे जहाँ मैं जाऊँगी। बताती हूँ आपको क्या काम है। तो मिलो। गए हम फिर हॉस्पिटल। ये पेशेंट परेशान है, कितना बीमार है। रिपन का पुराना नाता है मेरे साथ। इस साल तो पूरा साल में रिपन हुई रही। एक और यात्री है हमारे साथ, ये देखिए। ये अपनी शक्ल नहीं दिखाते पर गाड़ी में चू चू लगी है। ये पहुंच गए। चलिए पेशेंट को दिखा लेते हैं, आप लोग दुआ कीजिएगा डॉक्टर अच्छे से देख। ये है साक्षी। हेलो। मेरी साक्षी की हालत हो गई, सिट्टू के पीछे आज खराब। सृष्टि आज बीमार हो चुकी थी, लुधियाना से बुलानी पड़ी पेशेंट और यहाँ हॉस्पिटल दिखाई। अब हुए हम फ्री यहाँ से, डॉक्टर साहब ने देख लिया है, दवाइयाँ दे दी है। अब बुधवार को फिर आना पड़ेगा हॉस्पिटल, क्यों साक्षी? सही बात है, पर हमारी हालत ख़राब है इस टाइम। हम ही जानते हैं क्या हालत है। तो अभी हम लैब के पास एक टेस्ट और रहा, उसका वो करवाते हैं, उसके बाद चलते हैं वापस। चलिए यही था आज मेरा शिमला का टूर। शिमला तो घूम नहीं पाए। तो अब हो गए हम फ्री और अब चले वापस हम लोग गलियों गलियों से वापिस दौड़ते हुए। सृष्टि कैसा महसूस हो रहा है? अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा ऑपरेशन नहीं होगा। अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है बच्चे। भगवान है ना, ओम नमः शिवाय है और संतोषी माता है और शूलनी माता है। पीछे हमारा दोस्त, ये हमारा दोस्त गांधी जी है। ये टूरिस्ट लोग हैं। टूरिस्ट ऐसे होते हैं, ऐसे ही आते हैं। चलिए तो बाजार की घूम फिर करेंगे। देखिए बाजार में लगा है दौड़ के, पर अब मेरे जाने का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे कस्टमर की कॉल आ गई है। चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है और होता है। क्यों ये खाना खाती है? दो भूखिया। पहुंच गई थी शॉप और शॉप पहुंच के मैंने थोड़ा बहुत काम किया, ज़्यादा तो नहीं किया। जिस कस्टमर ने आना था वो तो नहीं आई आज, क्योंकि थोड़ा मैं भी लेट हो गई आने में हॉस्पिटल से। और चलो हॉस्पिटल का काम कंप्लीट हुआ आज। सिस्टर की बेटी का थोड़ा सा मेरे प्रॉब्लम हो गई थी तो उसको दिखाने गई थी मैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल दिखा के मतलब टाइम हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है टाइम लग ही जाता है। तो हॉस्पिटल में उसको पथरी की प्रॉब्लम बताई थी डॉक्टर ने, तो उसके लिए पथरी के लिए उसको दवाइयाँ लिखी हैं और एक टेस्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट आएगी। तो रिपोर्ट आने के बाद बुधवार को मुझे उसको चेकअप कराने के लिए फिर जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में आज कोई कस्टमर नहीं था तो क्या कर सकते हैं, पहले फैमिली अपने बच्चे फिर उसके बाद सारा काम। तो अब थोड़ा सा काम कर लेती हूँ मैं, थोड़ा सा एक कस्टमर की कॉल आई वो कर लेती हूँ, बाकी कमाना तो सारी लाइफ है। अपने लिए भी तो, अपने बच्चों के लिए भी तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। तो सिस्टर की बेटी हुई चाहे मेरे बच्चों, उनमें दोनों में से तो शायद कोई अंतर ना होता होगा। मासी माँ ही होती है,
तो वो भी मेरी किसी उम्मीद से मेरे पास आए थे कि चलो मासी हमें हॉस्पिटल में दिखा देंगी, क्योंकि उनको बाहर मतलब बाहर रहते हैं ना बच्चे, तो बाहर उनको मिसगाइड किया जाता है कि आप प्राइवेट में ऐसा कर लो वैसा कर लो, जो हॉस्पिटल सरकारी में इलाज होता है वो प्राइवेट में कभी भी नहीं होता है। तो प्राइवेट में सिर्फ पैसा खाने का काम करते हैं और फास्ट काम करते हैं बेशक, पर पैसा भी खाते हैं। पर चलो मिडिल क्लास लोगों के, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए तो सरकारी हॉस्पिटल ही बेनिफिट करता है। तो अब थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, हस्बैंड जी ने कमीज भेजी है तुरपाई के लिए, शायद बनिया रखी है, तो ये कर लेती हूँ मैं। तो जो भाग्य में होता है वही मिलता है, आज मेरे भाग्य में वो कस्टमर नहीं थी, पर वो कहीं नहीं जाएगी, उसकी कॉल आई है कि दीदी मैं कहीं और काम नहीं करवाती, आपको पता तो है मैं करवाऊँगी। उनके उनके एक्चुअली गेस्ट आ गए थे और मैं लेट भी हो गई थी, तो गेस्ट आने के बाद वो भी बिजी हो गया है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं फिर बीच में आ जाना, तो अभी छुट्टियाँ हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं है, वो बीच में आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, ये है इसमें गणपति बाप्पा, और ये है जी पहचानिए कौन, कान्हा जी। तो ये मेरे पड़ोस में मंदिर बनाते हैं, ये हैंडवर्क है, पूरा हाथ से बना हुआ मंदिर है, जैसे पहाड़ों में मंदिर होते ना उस टाइप के मंदिर बनाते हैं। ये देखिए एक नई शॉप खुली है हमारे पड़ोस में, देखिए गणपति जी के दर्शन कर लीजिए आप भी। कैसे हो आप? पूरा दिन आज हस्बैंड जी रहे मस्ती में, अब इस टाइम काम कर रहे हैं, और टाइम देखिए 7:15 हो चुके हैं, और मेरा फास्ट भी आज। नहीं मैं मस्ती में नहीं रहा, मैंने 3 सूट बना लिए, चौथा बना रहा हूं। ये देखिए सूट बनाए इन्होंने, ऐसे सूट चले हैं आजकल, बस 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 उसका सूट डाल दिया यार इसका। तो हनुमान जी के मंदिर में ऊपर पूजा हो रही है, तो मैं थोड़ा मत्था टेक रही हूँ, शंख बज रहा है, शायद आपको सुनाई दे रहा होगा नहीं, तो मंदिर में पूजा हो रही है। और आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रोज बोलती हूँ मैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिसने नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।